कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर आगामी 13 से 15 मई को उदयपुर यानी मेवाड़ में होने जा रहा है। लगभग 9 साल बाद राजस्थान में कांग्रेस का राष्ट्रीय चिंतन शिविर होगा। उदयपुर में प्रस्तावित चिंतन शिविर में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इस चिंतन शिविर में कांग्रेस के सभी सांसदों और विधायकों को बुलाया गया है, साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों और सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रण भेजा गया है। मिशन 2024 के तहत कांग्रेस के एक्शन प्लान के बारे में सभी को जानकारी दी जाएगी। यह बताया जाएगा कि आगामी चुनाव में किस तरह बीजेपी को घेरना है और कांग्रेस को वापस सत्ता तक पहुंचाना है। इसी चिंतन शिविर को लेकर उदयपुर देहात कांग्रेस कार्यालय में देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला के नेतृत्व में शिविर की तैयारियों को लेकर बैठक रखी गई। इस बैठक में गोगुंदा के पूर्व विधायक और राजस्थान सरकार में मंत्री रहे मांगीलाल गरासिया सहित कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें यह तय किया गया कि किस तरह से यहां आने वाले राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेसी नेताओं का स्वागत किया जाए, ताकि मेवाड़ की परंपरा पधारो मारे देश को जीवंत रखा जाए। बैठक के बाद झाला ने पल पल राजस्थान से बात करते हुए कहा कि अब मेवाड़ के हम सभी नेताओं का सौभाग्य है कि हमें कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के सभी नेताओं का स्वागत करने का मौका मिल रहा है। यहाँ हम आपको यह भी बता दें कि लाल सिंह झाला मेवाड़ कांग्रेस की ऐसी ताकतवर शख्सियत है जो कांग्रेस के हर बड़े कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कई बड़े आयोजनों में भीड़ जुटाने वाले एकमात्र नेता हैं, जो अपने स्तर पर ही हजारों लोगों को एक छत के नीचे लाने का दम रखते हैं। और एक बार फिर यह जिम्मेदारी झाला के कंधों पर दिखाई दे रही है। वैसे झाला कांग्रेस के लिए तन मन धन से हर समय तैयार रहते हैं और एक बार फिर यह देखने को मिल रहा है। उदयपुर के अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर हो रहा है, उसके तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान के प्रभारी अजय माकन साहब और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडा साहब उदयपुर पधारे थे और उन्हें जो दिशा निर्देश दिए सभी हमारे MLA साहबा ने, MP साहबा ने, सभी जिला अध्यक्ष हैं, उन सबको बुलाया था और बात की थी कि हम भाग्यशाली हैं कि राष्ट्रीय चिंतन शिविर उदयपुर में हो रहा है और सभी हम कांग्रेसजनों की जिम्मेदारी बनती है, जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, हम सबका दायित्व बनता है। हम उनका मेवाड़ की परंपरा रही है, आज दिन तक मेवाड़ ने जो बाहर से उसका स्वागत किया है, हमारे यहाँ पूरे देश के कांग्रेस पार्टी के नेता आ रहे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका भव्य स्वागत करें और कांग्रेस पार्टी ने जो दिशा निर्देश हमको दे रखे हैं उसके अनुसार हम काम करें। हम कोई ऐसी बात ना करें, चिंतन शिविर है, कोई इसके अंदर भागीदारी जबरदस्ती हम घुस जाएँ वो भी नहीं है। यहाँ नियम और उसका प्रोटोकॉल की हमको पालना करते हुए इसको हमें भव्य स्वागत करना और याद देहात जिला मीटिंग आउट इसलिए की गई है, हम अभी से तैयारी करें कि भव्य उनका स्वागत करें, मान सम्मान करें। हमारे मेहमान आ रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, उनकी कोई आवभगत में हमारी कमी नहीं रही, इसीलिए बैठक आयोजित की गई है।